Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great. So after a long time, we are back here again, and today we are making Ramadan special, aloo ke kabab. And as you all know, कि रमजान मुबारक का महीना करीब आ रहा है और अफ्तारी के वक्त हमें फ्राई आइटम्स में डिफरेंट वेरिएशंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें आलू के कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं. हम आगे भी आप सबके साथ इसी तरह की मज़े की डिशेज़ शेयर करेंगे इंशाल्लाह. चलिए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बॉइल्ड पोटैटोज. इनको हमने ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से ग्रेट कर लेना है. आप इसको मैश भी कर सकते हैं फॉर्क की हेल्प से. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो डैट हमने इतनी लंबी ब्रेक क्यों ली है फ्रॉम द यूट्यूब, सो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. वो मेरे सेकेंड चैनल पर मैं बता दूँगी कि मैंने इतनी लंबी ब्रेक क्यों ली है फ्रॉम दिस चैनल एंड फ्रॉम माई सेकेंड चैनल. सो आपको वहाँ से पता लीजिए और साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. हमें सोशल मीडिया पर भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थ्री टू फोर मीडियम साइज़ के पोटैटोज को मैं मैश करेंगे. और अब मैं आपको यहाँ लिंक्स दे देती हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के और अपने सेकंड चैनल के, सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब इट एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एज वेल. चलिए हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं. पोटैटोज को हमने अच्छे से मैश कर लिया है. अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें हमारे पास है सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, ड्राई कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, गरम मसाला पाउडर, टर्मेरिक पाउडर. टर्मेरिक पाउडर हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करना होता है, रेड चिली फ्लेक्स. और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. अब हम उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिनमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज और अनियंस. अब हम इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे. इफ यू वांट टू यूज़ योर हैंड्स वाइल मिक्सिंग दैट, सो आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपके हाथ साफ हों. अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करना है, जिंजर पाउडर, और उसको अगेन मिक्स कर लेना है. इसके बाद अब हमने इसके अंदर अपनी सॉसेज ऐड करनी है, जिसमें यहाँ मैं रेड चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ. साथ ही साथ अब हम इसके अंदर विनेगर भी ऐड कर लेंगे.
मिक्सचर हमारे यहाँ रेडी हो चुका है, बट इसको फ्राई करने के लिए अब हमने एक एग ले लेना है। उसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड करना है, ब्लैक पेपर ऐड करना है और येलो फूड कलर ऐड करना है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। और इसको हम कोटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं एग को। अब जब हम इसकी शेप बना रहे होंगे, हम लगता है हाथों पे ऑयल लगा लेना है। ताकि जो कबाब है या जो टिक्की वो कैन से ये हमारे हाथों से स्टिक ना हो। सबसे पहले हमने इसको एग के मिक्सचर में कोट करना है और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में कोट करना है। इसी से हमने अपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। उसके बाद मैं यहाँ ग्रिल्ड पैन के अंदर फ्राई कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो फ्राई नॉर्मल पैन। अब हम इसकी साइड को फ्लिप कर लेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। ये रेडी हैं, अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब रेडी हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और स्पेशली रमज़ान स्पेशल वीडियो है तो आपने इसको इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक ज़रूर देना है। हम आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।